नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप रोजगार से जुड़े डेली टॉप 5 समाचार से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की तरफ। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था IBPS ने विभिन्न पदों के लिए मांगे आवेदन। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था IBPS ने एनालिस्ट, प्रोग्रामर, IT सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर, IT इंजीनियर के कुल मिलाकर 6 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में BE या BTEC या MCA या MSc की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8/2/2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। सहरसा के उग्रतारा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सहरसा जिले में महिषी में स्थित है उग्रतारा स्थान। यह प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवती सती का बायां नेत्र यहां गिरा था। यह स्थान तंत्र साधना के लिए विख्यात है। यही उद्भव विद्वान मंडन मिश्र का जन्म भी हुआ था, जिनकी विदुषी पत्नी भारती से जगत गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा था। मंदिर का निर्माण साल 1735 में रानी पद्मावती ने कराया था। यहाँ बिहार के अतिरिक्त नेपाल के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बंगाल के साधक भी यहां वर्ष भर पहुंचते रहते हैं। एक ही जगह पर जमे बिहारी इंजीनियरों का होगा तबादला। एक ही जगह पर कई सालों से जमे बिहारी इंजीनियरों का तबादला होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार वैसे लोगों को दूसरी जगह भेजा जा रहा है जो कनीय से सहायक, सहायक से कार्यपालक और कार्यपालक से अधीक्षण अभियंता बनने के बावजूद भी एक ही जिले और प्रमंडल में बने हुए हैं, जिसके बाद जून में तबादले के समय के दौरान यह देखा जाएगा कि इंजीनियर नियमानुसार पोस्टेड है या नहीं। नियम के खिलाफ किसी की भी पोस्टिंग नहीं होने वाली है। हालांकि पिछले साल कोरोना के कारण इन इंजीनियरों का तबादला नहीं हो सका था, जिसके बाद अब कई ऐसे कामों को मार्च तक निपटाए जाने की कोशिश की जाएगी जो लंबे समय से वंचित है। जल जीवन हरियाली की मानव श्रृंखला इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हुई दर्ज। 19 जनवरी 2020 को बिहार में जल जीवन हरियाली पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला का निर्माण करवाया गया था, जिसको अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमन चेन के रूप में इसे अब दर्ज किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2021 में बिहार की इस उपलब्धि को रिकॉर्ड के रूप में जगह दे दी गई है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही रिकॉर्ड बुक की कुछ प्रतियां भी भेज दी गई है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर की है। बिहार में 4623 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने चांसलर कार्यालय सहित UGC और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जवाब देने के लिए राज्य सरकार और UGC को कोर्ट ने 4 हफ्ते की मोहलत भी दी है। इस याचिका में राज्य के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। साथ ही स्टैचू ऑफ अपार्टमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 2020 की वैधता को चुनौती दी गई है। IOCL अब लाएगा पेट्रोल पंप। पटना नगर निगम अब अपने आय को बढ़ाने के हर संभव प्रयास में दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 3 स्थलों पर पेट्रोल पंप निर्माण का प्रस्ताव निगम को दे दिया गया है। नगर निगम ने इस प्रस्ताव को निगम बोर्ड की बैठक में पास करा दिया है। इसके साथ ही गुरुवार को भी इस बैठक में 23 में से 5 एजेंडे का संलेख नहीं होने और प्रस्ताव में संशोधन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही 18 प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। IOCL को इसके बाद नगर निगम 3 जगह जमीन उपलब्ध करवाएगा। इन स्थानों पर IOCL पेट्रोल पंप अब लगाएगा। बिहार के 265 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस हुए रद्द, 750 हुए निलंबित। कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि खाद बेचने में गड़बड़ी के कारण इस साल 750 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इसके साथ ही 265 विक्रेताओं के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने इस बाबत कहा है कि साल 2020-21 में अब तक 3005 छापेमारी की गई है। इस दौरान गंभीर गड़बड़ी करने वाले 85 विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 1050 विक्रेताओं से जवाब तलब किया गया है। सीमावर्ती जिलों में उर्वरकों की तस्करी को रोकने तथा कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए इन जिलों के जिला पदाधिकारी को भी सूचित किया गया है। बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 168 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,59,617 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 65 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अररिया में 13 और अरवल में 11 मामले सामने आए हैं।
बिहार में धान खरीदारी की समय सीमा में होगा विस्तार। बिहार में धान खरीदारी के समय सीमा में बढ़ोतरी होने वाली है। इसको लेकर राज्य सरकार ने सोच विचार करना शुरू कर दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस पर विचार शुरू कर दिया है कि एक बार पहले की तरह ही 31 मार्च तक खरीद की समय सीमा को बढ़ा दिया जाए या फिर पहले चरण में विस्तार करते हुए 28 फरवरी तक कर दिया जाए, जिसकी घोषणा 31 जनवरी तक होने की उम्मीद जताई गई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि समय बढ़ा तो खरीद का नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। इस बार धान खरीद का लक्ष्य 30 लाख टन से बढ़कर 45 लाख टन कर दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दिल्ली में एक सड़क का होगा नामकरण। बिहार के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी बिहार से निकले दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर अब राजधानी दिल्ली में भी सड़क का नामकरण होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम जल्द ही बदलकर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाना है। कांग्रेस सांसद अभिषेक दत्त ने इसका प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद भाजपा की अगुवाई में SDMC में एंड्रयूजगंज में इंदिरा कैंप के बीच का एक भाग का नाम सुशांत सिंह राजपूत मार्ग रखने की मांग की गई है। नो टेंशन, वजीफा और पेंशन के लिए खजाने से निकासी में नहीं रहेगी कोई भी रोक। वित्तीय संकट के दौरान भी वित्त विभाग ने वित्तीय संकट के समय भी राज्य में छात्रों को मिलने वाले सभी स्तर के वजीफा या छात्रवृत्ति और पेंशन वितरण में किसी तरह का व्यवधान नहीं आने की व्यवस्था की है, जिसके तहत वित्त विभाग ने राज्य सरकार के स्तर से दी जाने वाली सभी तरह की छात्रवृत्ति और पेंशन की राशि के खजाने से निकासी के लिए सभी बंदिशें और पाबंदी हटा दी है। साथ ही इससे संबंधित जिन योजनाओं में केंद्र से राशि आती है उसमें केंद्रांश प्राप्त करने के लिए राज्यांश मिलाने से संबंधित पाबंदी भी हटा दी गई है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या बताई गई अधिक। क्षेत्र कोई भी हो, महिलाएं कहीं भी पुरुष से कम नहीं है। बिहार पुलिस में महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार महिलाओं का राष्ट्रीय औसत करीब 10.3% है, जबकि बिहार पुलिस में लगभग 25.03% महिलाएं काम कर रही हैं। बिहार पुलिस के ADG जितेंद्र कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर यह रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी में 25.03% के साथ पहले नंबर पर बिहार और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है, जहां पर 19.15% महिलाएं पुलिस में काम कर रही हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। भारत में 1920 में एयर मेल एवं वायु परिवहन सेवाओं की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री आज ही के दिन बनी थी। भगवान गौतम बुद्ध के नगर कपिल वस्तु को 1976 में खुदाई में आज ही के दिन खोजा गया था। जनता पार्टी का गठन 1977 में आज ही के दिन हुआ था। 1809 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1897 को भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1926 को शिवसेना के संस्थापक और भारतीय राजनेता बाला साहेब ठाकरे का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1664 को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी साहूजी महाराज ने दुनिया को अलविदा आज ही के दिन कहा था। वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए अब इन कागजातों की होगी जरूरत। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। इसी बीच पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया गया है। आयोग ने संबंधित आवेदन प्रपत्र में संशोधन का काम किया है। मतदाताओं को अब लिंग और आयु से जुड़े दस्तावेज को भी साझा करना होगा। मीडिया में आई खबरों के अनुसार आयोग के सचिव ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है, जिसमें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित प्रपत्र घ में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही अब मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए भी मतदाताओं को 4 प्रमाण पत्र देना होगा। बिहार में दिव्यांगों के लिए भी शुरू होगी बस की सेवा। बिहार में अब दिव्यांगों के लिए भी बस की सेवा की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत अब फरवरी में 20 लो फ्लोर बसों का परिचालन करवाया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन करवाया गया था, उसमें ही यह निर्देश जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जनवरी अंत तक निविदा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद फरवरी में बसों को खरीद ली जाएगी। इसके बाद 9,70,00,000 की राशि समाज कल्याण विभाग ने परिवहन विभाग को पहले ही ट्रांसफर कर दी है। वहीं इन बसों में आम आदमी भी सफर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर दिव्यांगजनों के लिए 20 लो फ्लोर बसें खरीदने को लेकर योजना बनाई गई थी।
राजगीर रोपवे फरवरी और मंदार रोपवे का काम मार्च तक होगा पूरा। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से संचालित योजनाओं की समीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका ऐलान पर्यटन मंत्री जिवेश कुमार ने किया है। इतना ही नहीं, मंत्री ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि राजगीर रोपवे और मंदार रोपवे का काम मार्च महीने तक पूरा होने वाला है। अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया गया है कि बिहार राज्य पुल निर्माण की तरफ से बनने जा रहे 6 रोपवे योजना में से 3 योजनाएं वानवार, जहानाबाद, रोहतासगढ़, रोहतास एवं मुंडेश्वरी कैमूर में काम निर्गत किया जा चुका है। राज्य योजना के तहत ली गई 54 योजनाओं में से 28 योजनाएं पूर्ण की गई है। बाकी बची 2 योजनाएं प्रकाशित के आधार पर शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अपने पिता से मिलने पहुंची मीसा भारती, वहीं जल्द ही राबड़ी देवी और तेजस्वी भी करेंगे मुलाकात। लालू प्रसाद यादव की तबियत को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, जिसके तहत लालू प्रसाद यादव की तबियत ठीक नहीं बताई जा रही है। डॉक्टरों ने बार बार लालू यादव की 13 से 15 बीमारियों से ग्रसित होने की बात कही है। इसी क्रम में बीते दिन लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती उनसे मिलने पहुंची थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव से मिलने उनकी पत्नी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न्यूज लिखे जाने तक भी निकल चुके थे। पंचायत चुनाव के बाद नियोजित शिक्षकों को मिलेगा ट्रांसफर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार ने नियोजित शिक्षकों को तबादले की सुविधा देने का फैसला लिया है। राज्य के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को तबादला देने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। और सबसे खास बात यह है कि महिला टीचर और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिले में उनकी इच्छा के मुताबिक तबादला मिलने वाला है। इतना ही नहीं, पुरुष शिक्षकों को पारियों के आधार पर आपसी सहमति से अंतरजिला तबादला मिल पाएगा। इन शिक्षकों को सेवा संघ के आधार पर तबादले के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद पॉलिसी बना ली गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के मंत्री जिलों में नहीं करेंगे झंडोत्तोलन। बिहार में इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर झंडोत्तोलन नहीं करेंगे। सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने सभी प्रमंडल के कमिश्नर और डीएम को पत्र जारी कर दिया है। कैबिनेट सचिवालय ने आदेश जारी किया है और पत्र में कहा गया है कि कोरोना के मद्देनजर साल 2020 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर निर्देश जारी किया गया है और इस पर अनुपालन करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 2011 में यह आदेश जारी किया था कि गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी प्रमंडल और जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन का कार्य उस जिला के प्रभारी मंत्री सह अध्यक्ष जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति करेंगे। अगले 48 घंटे तक मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में पिछले लंबे समय से मौसम की स्थिति शुष्क दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 48 घंटे तक मौसम में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। शुक्रवार को राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सबसे अधिक तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस डेहरी में दर्ज किया गया है। न्यूनतम सामान्य दृश्यता 500 मीटर के आसपास रही, जबकि पटना एरोड्रम पर दृश्यता 50 मीटर तक दर्ज हुई है। मौसम विभाग के न्यूमेरिकल मॉडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपग्रहीय तस्वीरों के अनुरूप साल का दूसरा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 22 जनवरी से जम्मू और कश्मीर के ऊपर दिखाई देगा। पटना के आइसोलेशन सेंटर हुए खाली। पटना जिले के सभी आइसोलेशन सेंटर अब खाली नजर आ रहे हैं। 17 में से 16 सेंटर पर ताला लग चुका है। सिर्फ एक सेंटर होटल पाटलिपुत्र अशोक में चल रहा है, उसमें भी अभी एक भी मरीज का इलाज नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वहां रखे बेड, ऑक्सीजन और अन्य स्वास्थ्य उपकरण वैसे के वैसे ही पड़े हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अभी कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों को छोड़कर किसी भी अन्य आइसोलेशन सेंटर में एक भी मरीज नहीं है। उन्होंने बताया है कि पटना जिले में अस्पतालों और सेंटरों को मिलाकर लगभग 2700 संक्रमितों के ठहरने की व्यवस्था आइसोलेशन सेंटर में हुई थी, अब सभी खाली हैं। आज पप्पू यादव निकालेंगे किसान न्याय मोर्चा। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने 23 जनवरी यानी कि आज किसान न्याय मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद जब तक केंद्र सरकार किसानों की सभी मांगों को नहीं मान लेती है तब तक हमारी पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि आज होने वाले इस मार्च को लेकर पार्टी 23 जनवरी को किसान न्याय मार्च निकालने वाली है और जब तक केंद्र सरकार किसानों की सभी मांगों को नहीं मान लेती तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसके साथ ही पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण लगाने की जरूरत की बात भी कही है। आईपीएल ऑक्शन में इन टीमों के पास है सिर्फ इतनी राशि। आईपीएल 2021 को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं आईपीएल में खरीदे जाने वाले खिलाड़ियों की नजर भी अब ऑक्शन पर टिकी हुई है, जिसके तहत टीम के पास भी फिलहाल पर्याप्त राशि नहीं है, जिसके बाद सनराइजर हैदराबाद के पास अभी 10.75 करोड़ रुपए बचे हैं। इसके साथ ही आरसीबी के खाते में इस बार 35.7 करोड़ की राशि बची है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के पास
35.85 करोड़। इसके साथ ही पांच बार के विजेता मुंबई इंडियंस के पास 15.35 करोड़, किंग्स इलेवन पंजाब के पास 22.9 करोड़, केकेआर के पास 10.5 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स के पास 12.8 करोड़, वहीं चेन्नई के पास फिलहाल 22.9 करोड़ की राशि बची हुई है। भजन गायक नरेंद्र चंचल ने दुनिया को कहा अलविदा। मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने दोपहर करीब 12:15 पर अंतिम सांस ली। बता दें, नरेंद्र चंचल देवी गीतों और प्रसिद्ध भजनों के लिए जाने जाते थे। उनके गुजर जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना ट्वीट जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल के गुजर जाने के समाचार से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने भजन गायक की दुनिया में अपनी औजपूर्ण आवाज से विशिष्ट पहचान बनाई थी। शोक के इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। अधूरा पड़ा नया डुमरिया सेतु का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। डुमरिया में गंडक नदी पर नए सेतु के निर्माण का सपना जल्द साकार होने वाला है, क्योंकि इस बार इसके निर्माण की उम्मीदें भी काफी प्रबल बताई जा रही हैं। इस सेतु निर्माण को लेकर अब से पहले भी कई बार टेंडर को जारी कर दिया गया है। सेतु निर्माण को लेकर पांचवीं बार टेंडर निकालने के पहले NHAI हर विकल्प को तलाश कर रहा है, ताकि इस बार हर हाल में सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, डुमरिया में गंडक नदी पर बनने वाले इस नए सेतु का निर्माण कार्य 2011 के बाद से बंद है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी से गुजरने वाली NH28 के लिए गंडक नदी पर नए सेतु का निर्माण साल 2008 में शुरू हुआ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है सौरभ कुमार, विकास कुमार, गीत भोजपुरी बिहार, आशीष कुमार, आयुष कुमार, सैयद हुसैन, दरोगा कुमार, कुंदन कुमार, कुमार जितेंद्र, अमरेश चौधरी, मोहम्मद जफर आलम, रामशंकर प्रसाद यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस साल का IPL मैच भारत में ही होना चाहिए या कहीं और? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।